यूट्यूब पे जी 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 मिलियंस बिलियंस व्यूअर हो रहे हैं। शुक्रिया, चाहते हैं कि आपको हर जगह से सपोर्ट मिले। बिल्कुल, तो हम भी आपके लिए सपोर्ट करेंगे, प्रे करेंगे। यो, गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दिस साइड बिग किड। आपका स्वागत है फिर से मेरे टेढ़े मेढ़े फ्रेश व्लॉग में। और ये हमारे होटल की बैल्कनी, 1 BHK फ्लैट की बैल्कनी, पीछे की तरफ कुछ व्यू इस तरह से। अभी धुंध हो रही थी, जस्ट हम उठे थे 8 बजे करीब, तो धुंध हो रही थी। हालांकि अब टाइम हो गया, कितना हो गया, 8:30 हो गए होंगे मेरे ख्याल से। 8:30 हो चुके हैं, हम निकलने की तैयारी कर रहे हैं। आज का सफर हमारा फिलहाल 15 किलो भी मंडी है, मंडी से फिर क्रॉस करने के बाद देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं। कुल्लू तो नहीं पहुँच पाएंगे, खैर कुल्लू बहुत दूर है, तो कुल्लू से शायद पीछे तक का स्टे लेंगे। टारगेट वही रखेंगे अपना कि आज भी 30-35 जितना कवर हो सके कर लें, क्योंकि रास्ते सीधे सीधे हैं, अभी कोई चढ़ाई वढ़ाई उतनी है नहीं। तो चलो दोस्तों, मिलते हैं फिर आपसे आगे, ब्रेकफास्ट करते हैं फिर मिलते हैं आपसे, क्या क्या होता है। चलिए, तो फिलहाल अभी 9 बज चुके हैं और हमने वहाँ से चेकआउट करके क्या मतलब अपना बिल पेमेंट कर दिया है और अब जा रहे हैं मंडी की तरफ। तो जो रूम था हमारा कल, जो हमने दिखाया आपको छोटा सा रूम अपना 1 BHK फ्लैट, 400 रुपये का रूम था और 100 रुपये की डाइट के हिसाब से, मतलब अनलिमिटेड आप खाओ, चिकन और रोटी थी। तो 400-200 और 100 रुपये की भाई रात को चले चना मसाला लिया था और चाय वाय भी इसमें, तो टोटल 650 हमारा काम हो गया। तो चल रहे हैं फटाफट मंडी की तरफ, चलो मिलते हैं। फिलहाल आप ये सामने जो देख रहे हैं वह है ESIC मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, यूनाइट चौक से मैं आगे पड़ा थोड़ा, और इस तरफ भी ये अल्ट्रासाउंड ये सब है। यो जिक्र के चलो। तो फिलहाल अभी ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया है और ब्रेकफास्ट में भी हमने मंगाया है आलू के पराठे, हरी चटनी, आलू गोभी की सब्जी और काले चने और दही। तो फिलहाल एक्चुअली क्या है कि हमारा टारगेट ये है कि 12 बालों को इग्नोर करना, 12 बजे तक हम अपना जो है मंडी क्रॉस कर ले या मंडी तक पहुंच जाए, टारगेट हमने 12 बजे का रखा हुआ है। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल ब्रेकफास्ट करते हैं, उसके बाद सीधा मिलते हैं आपसे लंच में या मंडी पहुंच के आपसे मिलते हैं। टेजन बाय। सो फिलहाल अभी क्या कह रहा है, अरे गोली मारो। सो फिलहाल अभी क्या है, एक्चुअली ब्रेकफास्ट कर चुके हैं, ब्रेकफास्ट करके निकल चुके हैं और हालांकि मैं थोड़ी कलाकारी कर रहा था, ये कलाकारी करी मैंने जिसमें मेरे बहुत बड़े ऑन फुट के बाद जो ऑन देख रहे हो उसके बाद मेरे पैर देख रहे हो वो थोड़े टेढ़े हो गए, तो मैं बना नहीं पाया, आगे इनके पैर टेढ़े होने वाले। हाँ, अभी चलते जाना है। तो चलिए दोस्तों, फटाफट मिलते हैं मंडी में, बाय। तो यहाँ से कल एक्चुअली हमें यहाँ से आना चाहिए था, ये है 4 लेन का मतलब जो हाईवे बन रहा था नया वाला, हमने ये चौक की तरफ चले गए थे, वहाँ से आए के अंधेरे में अभी पता नहीं लग रहा था, तो वहाँ से हम आते गए और अब ये यहाँ से डाइवर्जन हो रहा था, ये फिर रास्ता ज़्यादा सीधा मनाने के लिए जो डबल हाईवे बन रहा है। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं आगे की तरफ, अपन को निकलना इधर। सो फिलहाल अरे कब कहाँ गया, फिलहाल ये मंडी टाउन है और ये कुल्लू मनाली का पूरा रास्ता गया, ये देख रहे हैं फौरन बजा लो सालो, अभी जान लो सबको नीचे की तरफ। और ये पूरा जो सामने है ये मंडी टाउन है, मतलब और यहाँ से हमें सीधा निकलना है, लेफ्ट जाता है मंडी टाउन और हमें सीधा निकलना है मनाली की तरफ। चलो चलते हैं। तो फिलहाल ये है मंडी का बस स्टैंड पूरा और अभी हम पहुंच गए हैं, 1:15 बज चुके हैं, मंडी पहुंच गए हैं। अब आगे फटाफट चलते हैं, लंच करते हैं कहीं और कल की वीडियो एडिट भी करनी है इस साल के पीछे, बहुत अच्छे अच्छे सीन्स थे वो मिस कर दिए क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो रही थी, बाकी लगाऊंगा शॉर्ट्स में देखते हैं मतलब बीच बीच में। तो चलिए फटाफट चलते हैं आगे की तरफ, अभी और रास्ता कवर करना है और बस भूख तो अभी लगी है, थकान ज़्यादा हो गई है, 5-5 मिनट का रेस्ट लिया था, ज़्यादा रेस्ट भी नहीं लिया हमने बीच में, तो फटाफट चलता है कहीं 1.5-2 घंटे का रेस्ट करेंगे, 1.5 घंटा कम से कम, क्योंकि अब आगे के मेरे को लग रहा है हम सिर्फ 10 या 12 किलोमीटर चल पाएंगे। तो चलते हैं और फिर वीडियो एडिट करते हैं, बाय। सो फिलहाल मंडी से आगे गुरु गोबिंद सिंह पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल और ये गुरुद्वारा पड़ता है, बहुत अच्छा गुरुद्वारा है। मैं बहुत साल पहले, मतलब सबसे पहला मेरी लाइफ का ट्रिप था, नहीं दूसरा था एक्चुअली, मेरे फ्रेंडों के साथ, मेरे क्लोज फ्रेंड थे चड्डी बड्डी, पहले तो मेरा गौरव के साथ था,
दूसरा ट्रिप हम बाइक पे गए थे, दूसरा हमने फिर गाड़ी से किया था, जिसमें मेरे पिताजी ने हमको एक डेढ़ घंटा वेट करवाया ये कह के कि बस गाड़ी आ रही गाड़ी। हमने सोचा कोई बड़ी गाड़ी आ रही भाई, लगता है पजारो उस टाइम पे जल्दी, हमने को पजारो आने वाली है, फिर हालांकि इको आई तो ठीक था, बट वो हमारा भी ट्रिप तो यही था। मंडी आज देखा क्योंकि मंडी हमेशा मैं जाता हूँ मनाली, तो गाड़ी में ही सीधे भगे भगे आज पैदल चले तो याद था हमें, क्योंकि उस दिन हम रुके थे मंडी में थोड़ी देर, तो बस थोड़ी यादें ताज़ा हो गई थी। तो चलिए चलते हैं अब आगे पठानकोट के लिए, यहाँ से लेफ्ट हो जाते हैं पुल पार करके। चलो वीडियो पॉज करता हूँ फिर आगे मिलते हैं। ये रास्ता लेफ्ट हैंड साइड में गया पठानकोट के लिए, पठानकोट यहाँ से 208 किलोमीटर है और धर्मशाला के लिए भी ये रास्ता ज़्यादा है जो 145 किलोमीटर दूर है, और हमें जाना है मनाली, जो यहाँ से मनाली 108 किलोमीटर दूर है, तो ये जा रहा 108 अपनी मंजिल 108 किलोमीटर दूर। तो चलो चलते हैं आगे। तो फिलहाल अभी रुके हैं थोड़ी मतलब कुल्लू से आगे जाके, और अभी फिलहाल लंच कर रहे हैं क्योंकि लंच टाइम हो गया था, हमने कहा चलो भूख लगी रही है तो खाना खा लेते हैं। तो मैंने मंगाया है दाल चावल हाफ और मैं अगले मंगाए हैं राजमा चावल हाफ। तो चलो दोस्तों खाना खाते हैं उसके बाद मिलते हैं, और भाई जब तक ब्लॉग में बने रहो और वीडियो देखते रहो। यो 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 मेरे दोस्तों, जिक्र के चलो चांद बहुत सेक्सी आ रहा है, और दूसरा जिसकी हमें तलाश थी हम लोगों को वो आ गया है, शराब पीकर गाड़ी चलाए तो ध्यान रखिए, मतलब मजाक कर रहा हूँ, शराब पीकर गाड़ी बिल्कुल भी नहीं चलानी चाहिए, आराम से चलाओ हमेशा बिना दारू पिए हुए, और दारू पीनी भी है तो कहीं स्टे करो फिर दारू पियो फिर एंजॉय आता है, डबल मज़ा आता है, और चांद हो तो ऐसे ही कहीं होटल लो आराम से बढ़िया से फिर पियो पैक वैक जिसको मान रहे हो। हालांकि ठंड इतनी हो रही है कि सबकी इच्छा हो जाती है भाई, हमारी नहीं हो रही, मेरी नहीं हो रही मतलब, तो बस यही। और फिलहाल अभी कुल्लू से हम 2-3 किलोमीटर आगे आ गए, चाहे मतलब खाना वाना खाया था हमने, क्योंकि 4-4:30 बजे हम वहाँ से 4 बजे करीब निकले, और 5-5:30 से ऊपर हो गया अभी टाइम, ज़्यादा ही हो गया, 6 बजने वाले हम अभी तक पहुँचे नहीं हैं, क्योंकि मैंने 2-3 किलोमीटर ही कवर करा, मैं और आगे जाना है अभी, तो चलो फटाफट चलते हैं। तो फिलहाल अभी मंडी से कुछ किलोमीटर हम आगे आए हैं, और यहाँ जैसे ही आए हैं फूड रिवर एटीस्ट ऑफ होम, तो यहाँ पे है। मंडी से कितनी दूर है भैया आपका? ये मंडी से 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर पीछे है, और आगे मनाली रोड पे, मनाली रोड पे है, मनाली रोड पे है। तो कॉफ़ी भी हमने अभी भैया ने फ्री ऑफ कॉस्ट पिलाई, थैंक यू सो मच भैया, भैया को मना करते रहे लेकिन भैया ने कहा नहीं नहीं आप आयो, भैया ने कहा इंसान नहीं आते हम पिला रहे, एक्चुअली मार्क्स सीखने आए थे, हमने कहा भैया ठंडूरी थोड़ी रुक लेते हैं, तो भैया ने कहा कोई नहीं, बस फिलहाल कॉफ़ी पी ली है, अब निकलते हैं यहाँ से। ठीक है भैया, थैंक यू सो मच, ओके थैंक यू सो मच भैया, चैनल को हम सब्सक्राइब करवाएंगे, आते टाइम भी आप यहाँ रुकना, बिल्कुल बिल्कुल, हमारे लिए जो भी आप बनता है वो बताना आपने। जी 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 जी, हम इनको फोर्स कर रहे हैं लेकिन काफी प्रॉब्लम ये है, कहते कि नहीं आगे चलेंगे, अभी सफर पूरा करेंगे बिल्कुल उसके बाद खाना खाएं, तो मेरी बेस्ट विशेस, थैंक यू सो मच भैया, चैनल ब्लॉग काफी चले यूट्यूब पे, जी जी जी, मिलियंस बिलियंस व्यूअर हो, अरे शुक्रिया, चाहते हैं कि आपको हर जगह से सपोर्ट मिले, बिल्कुल, तो हम भी आपके लिए सपोर्ट करेंगे, प्रे करेंगे ताकि आपका चैनल, आप दोनों भाई जी जी फ्रेंड्स, मतलब मैं जिसको क्या कहते हैं गोल्डन गोल्डन बटन डायमंड गोल्डन, आप लोग बिल्कुल बड़ा हौसले का काम है जो आप लोग कर रहे हैं, जी जी जी, दिल्ली चंडीगढ़ टू मनाली, हाँ जी, आज के टाइम पे जहाँ टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है और आप लोग पैदल, एग्जाम्पल ज्यादा चाहिए, जिसे कह सकते हैं कि एक आपका स्ट्रॉन्ग माइंड मेकअप चाहिए, वो आप लोगों में दिखने को मिल रहा है, जी ठीक है, कुछ लोग तो इसको फतूर कहेंगे लेकिन लाइफ वही है जहाँ आप एंजॉय कर सकें, सही बात है, बाकी अब हम तो यही कहेंगे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा आपके फॉलोअर हों, अचीव करें, शुक्रिया, ठीक है, आप अपना एंजॉय के साथ साथ अपने टारगेट को पूरा करें, बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच भैया, थैंक यू सो मच, ओके, एक मिनट रुकना, एक तो चलिए दोस्तों ठीक है फिर मिलते हैं आप लोगों से, बाय बाय, क्योंकि अभी और जाना है, टाइम होने वाला है, थैंक यू सो मच भैया, थैंक यू फॉर ड्राइवर वालों, थैंक यू सो मच, और बहुत अच्छा है भाई, एम्बियंस भी काफ़ी अंदर अच्छा है, एक फटाफट लुक ले रहे थे अंदर का, तो एम्बियंस भी है एकदम, फैमिली रेस्टोरेंट है, आप आओ, बहुत अच्छे लोग हैं, अब जो सोच लो जो चलते रहा ही मतलब हम लोगों को फ्री में चाय पिला रहे हैं, कॉफ़ी पिला रहे हैं, तो ऑब्वियसली दे आर गुड पीपल्स, और ह्यूमैनिटी के लिए उन्होंने बहुत किया, थैंक यू सो मच भाई, बिग फैन ब्रो, मैं भी फॉलो करूँगा इंस्टा पे, थैंक यू सो मच भैया, थैंक यू।
सो यो तो फिलहाल सीन अभी ऐसा है, हम 5-6 किलोमीटर आगे आ गए हैं। हम एक्चुअली 4 बजे वहाँ पे निकले थे, तो 2 घंटे में हम 5-6 किलोमीटर इसलिए कवर कर पाए हैं, कर तो और भी लेते लेकिन वही है कि वीडियो अपलोडिंग पे कर रहे थे, थोड़ा थंबनेल कर रहा था इस वजह से। तो चलो फिलहाल अभी और चलते हैं, सोच रहे हैं कि 7-8 किलोमीटर और चलेंगे, कहीं स्टे लेंगे फिर। तो चलो मिलते हैं आगे। सो यो करने की हिम्मत नहीं है, फट 4 हो गई है। एक्चुअली अभी एक गुलेरिया होम स्टे है, मिल भोजनालय और शर्मा ढाबा, देखता हूँ जिसपे भी होगा। एक्चुअली हमें 10 किलोमीटर पीछे किसी ने बोला कि पंडोल जो है आपका सिर्फ 5 किलोमीटर बचा है, आप चले जाओ। तो हमने कहा चलो 5 किलोमीटर, 3-4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर हिम्मत जुटा के चल देंगे, लेकिन नहीं चल पाए हैं। चलते चलते हमें अभी 9:30 हो चुके हैं, हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। और भाई साहब अब फटाफट यहीं कहीं स्टे लेते हैं और आज यहीं रुकते हैं। पंडोल यहाँ से भी लगभग मेरे ख्याल से 2.5-3 किलोमीटर या 2 किलोमीटर जो भी बचा होगा। तो चलो दोस्तों अब होटल में मिलते हैं, भाई यही बताना था भाई इसलिए भाई फट गया। तो यो बड़ी देर बाद यो का जोश आया। एक्चुअली क्या है कि 5-10 मिनट वेट किया, मतलब थके, थोड़ा पानी वानी पिया। अन्नपूर्णा भोजनालय है और होम स्टे मैं आपको बता रहा था, गवर्नमेंट बाई हिमाचल टूरिज्म। तो हम यहाँ पे आ चुके हैं, फिलहाल हमने भैया से मतलब रूम ले लिया है, हालांकि भैया ने भी रूम ठीक कर दिया हमारा, 800 पहले 1000 फिर 800, उन्होंने जब बोला भैया थोड़ा समझा करिए बजट बिगड़ जाएगा, तो 600 रुपये में हमें रूम मिल गया है, काफ़ी अच्छा रूम है। तो चलो फटाफट आपको रूम दिखाता हूँ, क्योंकि 10 बज चुके हैं, तो वो भी कह रहे हैं कि आप भैया खाना खाने का ऑर्डर दीजिए फटाफट, फिर हम भी रेस्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों चलते हैं ऊपर, अरे बैग तो ले लूँ, चलो ऊपर मिलते हैं फिर। सो फिलहाल रूम हमारा ये है, ये बेड हो गया और वॉशरूम एकदम नीट एंड क्लीन, सबसे बढ़िया बात गीजर भी है और बाकी भाई टीवी टेबल सब कुछ। और यहाँ से बैल्कनी का व्यू भी है, वो दिखाता हूँ। यहाँ से व्यू कुछ इस तरह से, अपना अन्नपूर्णा भोजनालय होम स्टे भी काफ़ी अच्छे रूम है यार, अभी शायद ऑफ सीजन है तो भैया ने दे दिया, वैसे भी रिक्वेस्ट करके दे दिया भैया ने। नीट एंड क्लीन बेडशीट, सबसे बड़ी बात यह है कंबल भी काफ़ी महंगे वाला भाई। तो चलो दोस्तों थोड़ा फ्रेश व्रेश होते हैं, फिर खाना खाने जा रहे हैं क्योंकि लेट बहुत हो गए। बाय बाय। सो यो मेरे जिगर के चिल्लो भाई की बल्ले बल्ले। और फिलहाल हमने मंगाया है पनीर बटर मसाला और बटर रोटी, तवा और सैलेड। तो चलो दोस्तों खाना खाते हैं, भूख बहुत देर लग रही है, 10:30 हो चुके हैं, 10:30 हो गए कितने, 11 बज गए, 11 बज चुके हैं। तो फटाफट खाना खाते हैं फिर मिलते हैं ऊपर, चलो बाय बाय। हाँ भाई, तो फिलहाल खाना खा लिया है, खाना ऐसा जिसने मज़ा बांध दिया, समा बांध दिया, मतलब मैंने पूरे चंडीगढ़ से लेकर अभी तक ऐसा खाना नहीं खाया था। आज तो शायद मैं 2 या 3 रोटी हार्डली खा पाता हूँ, आज तो मुझे लग रहा है मैंने 4 या 5 रोटी खा ली। फिलहाल बाबूजी की भाई दोबारा से रिक्वायरमेंट की कॉफ़ी पीते हैं खाना खाने के बाद, तो अभी पी रहे हैं दोनों भाई कॉफ़ी। कॉफ़ी पीने के बाद सीधा चलते हैं रूम में, तो मिलते हैं आपसे सीधा रूम में, चलो गोली हो जाता हूँ मैं। बाय। जो मेरे जिगर के छल्लो तेरे भाई की बल्ले बल्ले। तो दोस्तों फाइनली मतलब खाना वाना खा के सब कुछ होके हम नीचे आ चुके हैं, मतलब ऊपर आ चुके हैं, मतलब अब सो रहे हैं, बस सोने की तैयारी, थोड़ी सी वीडियो एडिट करके फिर सो जाते हैं। और प्लीज़ अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो चैनल को, और जितना हो सके प्लीज़ शेयर कर दो इस वीडियो को, ताकि थोड़ी सी मेरी भी वीडियो चल जाए मार्केट में। और कमेंट करना ना भूलिएगा, सब्सक्राइब कर रहे हैं, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। मिलते हैं फिर दोबारा कल एक नई जगह पे, चलो गुड नाइट, चलो बाय 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 बाय।